पोहा जो हिंदी में पोहा कहते हैं, तो इसके अंदर मैंने आलू, अनियन, ग्रीन मिर्च, अदरक और ये जुगू पीनट्स और कैशियो नट्स और बस पोहा को मैंने भिगो दिए थे 10 मिनट, और आलू को मैंने बॉईल कर दिए थे, और फिर अनियन, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च और राई जीरू के साथ मैंने उसकी ग्रेवी करके फिर आलू, फिर पोहा और राइस बचे हुए कल रात के, और उसके ऊपर आप सेव भी डाल सकते हो, तो बहुत अच्छा लगता है बच्चों को जब स्कूल से आते हैं तो गरम गरम चाय के साथ ज़रूर बनाना। थैंक यू।